हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज हम कच्चे आम की खट्टी मीठी जेली बनाएंगे, जिसे आप बहुत दिन तक रख कर फ्रिज में और आराम से खा सकते हो। तो फ्रेंड, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो फ्रेंड, ऐसे ही आसान तरीके से अगर रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमने कच्चे आम को इस तरह बिना गुठली के काट के और फिर आधे घंटे पहले इसे नमक वाली पानी में डुबो कर रखे हैं, और हम इसे बाहर निकालते हैं। चलिए, आम को हमने पानी से बाहर निकाल लिए हैं और ये हमारी आम 1 किलो है। अब हम इसे उबालते हैं। उबालते हैं हम अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंगो हमारी पक रही है और हम इसे पूरी अच्छी तरह से गला लेंगे एकदम। जब तक ये गल ना जाए तब तक पकाएंगे। तो देखिए, ये पक चुकी है। अब हम इसे निकाल कर और फिर प्यूरी बना लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे प्यूरी बना लिए हैं एकदम, हाथ से मसल कर, या फिर मिक्सर ग्राइंडर में भी बना सकते हैं। हमने हाथ से कर लिए है तैयार। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई में इसे डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। ग्राम चीनी तेज पत्ता हाफ चम्मच, नमक सूखी लाल मिर्च हाफ चम्मच, सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। हम इसमें डालेंगे फूड कलर।
देखिए हमें इसी तरह चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगी। और हमें इसे एकदम सूखा कर देना है। तो देखिए तैयार हो गई है, अब हम इसे निकालते हैं। एकदम तो हमने सुखा लिए हैं इसे। तो चलिए बन के तैयार हो गई हमारी कच्चे आम की खट्टी मीठी जेली। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही आसान तरीके से रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।